जिसकी बीएसपी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है, और ऐसी शर्तें केवल बीएसपी के ही विरुद्ध क्यों, ये भी सोचने की बात है। और इस मामले में केवल जातिगत द्वेष व राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्यक्रम के बाद वहां बीएसपी के जिला पदाधिकारी व ब्राह्मण समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खिलाफ जबरदस्ती केस दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसा वहां के लोगों का ये मानना है, कहना भी है, ताकि पार्टी के लोगों को डराया व ठंडा किया जा सके। बल्कि ऐसा करके इसमें लेकिन ऐसा करके इनमें बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा गुस्सा व बीएसपी के प्रति और ज़्यादा जोश पैदा हो गया है। वैसे भी यह ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि किसी भी चुनाव व कार्यक्रम आदि में बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए यूपी व अन्य कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पाबंदी नहीं है, और उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रम में कोरोना नियमों के उल्लंघन व उनकी धज्जियां उड़ाने की भी पूरी छूट है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं, जो हमें यहाँ यूपी में बीएसपी के हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी कुछ जगह देखने के लिए मिल रही है। इससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जातिगत द्वेष व अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ कोरोना नियमों का भी पूरे तौर से राजनीतिकरण कर दिया है, जो ये अति निंदनीय भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं सभी को ये भी आगाह करना चाहती हूँ कि बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग का ये कारवां ना तो अब रुकने वाला है और ना ही झुकने वाला है, बल्कि हर प्रकार के सरकारी अड़चनों, प्रताड़ना, शोषण व विरोध आदि का अब ये दलितों की तरह डटकर सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ता ही रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रबुद्ध समाज का ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम यूपी सरकार की इस प्रकार की नई जातिवादी व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि का सामना करते हुए ना केवल आगे लगातार जारी रहेगा, बल्कि इसके स्वरूप को और ज़्यादा विस्तार प्रदान करने के लिए अब इसे गांव-गांव व घर-घर तक ले जाने की ब्राह्मण समाज से खास अपील भी करेगा। और इसका सही व जोरदार जवाब भाजपा को आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में जरूर देगा। और अब तो यूपी भाजपा सरकार के इस प्रकार की घोर द्वेषपूर्ण कार्रवाइयों से ब्राह्मण समाज को भी पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया है कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों व अकलियतों की तरह अब ब्राह्मण समाज को भी अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ इन्हें जीने नहीं देना चाहती है। ऐसा अब आम चर्चा है ब्राह्मण समाज में, अब ये भी महसूस करने लगा है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।